제가 그냥 왔을 거예요. सरकार की आदम तवज्जो की वजह से हमारे डेली वेज और कैजुअल लेबर 61,000 के करीब आर्जी मुलाजमीन फलाकशी के शिकार है, कर्ज के बोझ तले दब चुके हैं। और आज ही हमारे एक डेली वेजर पीएचई में काम कर रहे, जम्मू पीएचई में काम कर रहे एक डेली वेजर ने खुदकुशी की। आए रोज खुदकुशी का रोजाना बढ़ता जा रहा है। सरकार से हमारी अपील है, सरकार से हमारी दरखास्त है कि आप किस दिन का इंतजार कर रहे हैं? हमारी रेगुलराइजेशन नहीं हो रही है, हमारी मिनिमम वेज एक्ट इंप्लीमेंट नहीं हो रही है, आप किस दिन का इंतजार कर रहे हैं? जिस दिन हम सबके सब मर जाएंगे फिर उसके बाद ऐलान हो जाएगा। आज आप हम एहतजाज कर रहे थे रेगुलराइजेशन के हवाले से, दूसरी तरफ सरकार आए रोज नित रहे अहकाम सादिर कर रही है कि आप यहाँ के जो पीएचई मुलाजमीन है उनको एसएमसी में, जेएमसी में, यूएलबी में ट्रांसफर किया जा रहा है, उनकी सर्विसेज का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। पिछले 20 बरस से हम काम कर रहे हैं, पिछले 20 बरस से हम खिदमत कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी खिदमत और हमारे एक्सपीरियंस का ख्याल नहीं रखा जाता है। आज ये कहा जा रहा है कि अगर एसएमसी वालों को जरूरत होगा तो उसके बाद इनसे काम लिया जाएगा। यही वजूहत है कि आए रोज हमारे डेली वेज और कैजुअल लेबर जहनी तनाव के शिकार होते जा रहे हैं और उनके जहनी तनाव के शिकार होते जा रहे हैं और खुदकुशी का रोजाना बढ़ता जा रहा है। अब आपकी डिमांड क्या है?